हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग फ्लेक्स ग्रो देखेंगे। तो फ्लेक्स ग्रो क्या करता है, दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई हाउ मच द आइटम विल ग्रो रिलेटिवली टू द रेस्ट ऑफ द फ्लेक्सिबल आइटम्स इनसाइड द सेम कंटेनर। इफ द एलिमेंट इज नॉट अ फ्लेक्सिबल आइटम द फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी हैज़ नो इफेक्ट, वी कंसीडर दिस प्रॉपर्टी टू नंबर। फ्लेक्स ग्रो क्या करता है कि फ्लेक्स ग्रो किसी आइटम में अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो आइटम ग्रो करेगा रिलेटिवली रेस्ट ऑफ दी आइटम्स, मतलब कितना ग्रो करेगा वो आप डिफाइन करते हैं यहाँ नंबर के फॉर्म में। ठीक है, एक्चुअली में ये रेशियो पर काम करता है जो हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। एग्जांपल के तौर पर हम लोगों ने डिव फ्लेक्स ग्रो वन लिखा हुआ, तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। और याद रखिएगा कि ये बाय डिफॉल्ट जीरो होता है। ओके, सो ये हमारा एग्जाम्पल है। यहाँ हम लोगों ने हाइट और विड्थ सेट कर दिया हुआ है सब चीज़ों का, कंटेनर का भी और बाकी सारी चीज़ें यहाँ 1 2 3 4 5 6 में। ठीक है, इसको सेव करते हैं और इसको सबसे पहले एक बार रन करके देख लेते हैं कि ये हमें किस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो हमें ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, अगर आप चाहें तो इसको एक बार जूम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग जूम नहीं करते हैं, इसको जूम आउट ही रखते हैं, इसको 100% रखते हैं। कलर से इसको डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से हम लोग चाहते हैं कि 3 जो है वो ग्रो करे, तो ग्रो करने के लिए आपको इसका नंबर डिफाइन करना पड़ेगा कि कितना ग्रो करे। तो ये रेशियो काउंट करता है, पूरे का ये टोटल निकालेगा, देन उसके अनुसार रेशियो निकालेगा। इसमें भी अभी इसमें सब में क्या 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 है, सभी में 0 0 है। तो हम लोग अगर चाहते हैं कि ये थोड़ा सा बाकी सबसे बड़ा दिखे तो हम लोग इसका रेशियो मतलब फ्लेक्स ग्रो जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, यानी कि 0 से बड़ा करते हैं। मान लीजिए कि इसको हम लोग करते हैं 1। तो यहाँ हम लोग करने वाले हैं फ्लेक्स ग्रो 1 और इसको सेव कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, इसको सेव करने के बाद जैसे आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो है बाकी सबसे थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको जब आप छोटा करते हैं या छोटा करेंगे आप ऐसे, तो अभी ये फिक्स है तो अभी ये कुछ दिखेगा नहीं, इसी तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन जस्ट अ मिनट, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम लोग जो विड्थ हम लोगों ने सेट किया हुआ है इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ये रेशियो वाइज यहाँ जो ये डिवाइड किया गया है, यानी कि ये कितना बड़ा होना चाहिए वो रेशियो वाइज किया गया है। ठीक है, इन लोगों को 0 0 0 0 मिला है तो इसको मिला है 1। ठीक है, अभी अगर इस रिफ्रेश करते हैं तो अभी हम लोगों ने बिट सेट नहीं किया तो ये पूरे स्क्रीन पर आएगा कुछ इस तरीके से और ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा रेशियो वाइज। अभी ये रिस्पॉन्सिव हो जाता है जब इसको छोटा करते हैं तो ये रिस्पॉन्सिव हो जाता है। ठीक है, जैसे आप छोटा करते हैं तो ये छोटा होता है, बड़ा करते हैं तो बड़ा होता है, छोटा करते छोटा होता है, बड़ा करते तो बड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा फ्लेक्स ग्रो काम करता है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं कॉम्प्लिकेटेड मेरे ख्याल से। ठीक है, इसमें अगर आप 2 कर देते हैं, मान लीजिए कि हमने इसको 2 किया, इसको सेव करते हैं और बाकी को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, बाकियों को तो देना पड़ेगा। ओके, यहाँ डेव में हम लोग फ्लेक्स ग्रो देते हैं। फ्लेक्स ग्रो कितना देंगे, फ्लेक्स ग्रो हम लोग देते हैं 1। इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हम लोगों ने क्या किया है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों ने पहले तो सभी को डेव, चूँकि क्लास है, सभी के लिए क्लास है, आप देखेंगे सभी के लिए, तो सभी के लिए हम लोगों ने फ्लेक्स ग्रो डिफाइन कर दिया 1, तो ये तो रेशियो 1 ले लिया। और हम लोगों ने इसको ओवरराइड कर दिया है बिकॉज आईडी का जो प्रायोरिटी होता है वो ज़्यादा हायर होता है। आई होप कि आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा देखा होगा। तो हम लोगों ने इसको ओवरराइड कर दिया, किसको, रेड वाले को, यानी कि 3 नंबर को। तो 3 नंबर को बाकियों के अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ मिल रहा है, जैसा कि देख पाएंगे। ठीक है, तो इसको मिल रहा है 1, इसको 1, इसको 1, इसको 1, लेकिन इसको मिल रहा है कितना, 2। और ये आपका रिस्पॉन्सिव भी है। ठीक है, ये आपका रिस्पॉन्सिव भी है, तो ये स्मॉल डिवाइस में जाएगा तो ये रिस्पॉन्सिव होकर आपको इसी तरीके से देखेगा, इसकी तरीके से देखेगा। मीन्स इसका अभी भी रेशियो जो है 2 ही है, ये अभी भी बाकियों के अपेक्षा बड़ा है। ठीक है, तो ये इस चीज़ ये अपनी इस प्रॉपर्टी को छोड़ नहीं रहा, चाहे वो स्क्रीन छोटा हो या बड़ा हो, ये इस प्रॉपर्टी को छोड़ेगा नहीं, ये हमेशा बड़ा ही रहेगा इन सब से, चाहे स्क्रीन आप छोटा कर दो या फिर बहुत बड़ा कर दो। ठीक है, रेशियो सबसे बड़ा छोटा होएगा, लेकिन ये जो है इसी प्रॉपर्टी को होल्ड किए रहेगा कि ये बाकियों की अपेक्षा बड़ा रहेगा, जो भी इसको रेशियो डिफाइन किया गया। ओके, सो बस इसमें आपको क्या है कि इसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको पिक्सल्स में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप इसमें से अगर आप एक और डिफाइन करते हैं, मान लीजिए कि हम लोग एक और करते हैं, ठीक है, ये 6,
एक और हम लोग यहाँ से ये हमने कर दिया क्या, सिक्स कर दिया, या फिर फिफ्थ रहने देते हैं क्या, फिफ्थ रहने देते हैं, हमारा जो प्रॉपर्टी होगा वही होगा, इसको सेव कर दिया यहाँ, सिर्फ हम लोग इसको चेंज कर देते हैं सिक्स, सेव करते हैं, और इसको अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या होगा कि ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, इसमें सेम जितना इसका था वो इतना आएगा, यानी कि इसका 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 और इसका रेशियो सेम है, इसका अपना एक अलग रेशियो, इसको वन है, 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 इसको टू है, तो यहाँ आपको इसके लिए अलग से कुछ चीज़ें कुछ भी डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, ये सेम इसकी तरह है, ठीक है। तो यही है फ्लैक्स की खासियत कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और आपको एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मिल जाता है। ओके सो बस फ्लेक्स ग्रो यही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।